हाल ही में किस राज्य के लिए आतंक मॉनिटरिंग समूह की स्थापना को मंजूरी दी गई? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। लिवरे पेरिस नामक इवेंट में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है? सही उत्तर है भारत। किस आईआईटी ने विप्रो के साथ 5G तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एडवांस शोध के लिए समझौता किया है? सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की? सही उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने श्वेत राष्ट्रवाद तथा अलगाववाद पर प्रतिबंध लगाया? सही उत्तर है फेसबुक। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वस्तु के लिए ब्लॉकचेन इनेबल्ड मार्केट प्लस ऐप लॉन्च की है? सही उत्तर है कॉफ़ी। हाल ही में किस भारतीय को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव सम्मानित किया गया? सही उत्तर है रामनाथ कोविंद। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र जोशी। किस भारतीय संगठन को ASSOCHAM ने सर्वश्रेष्ठ खेल संघ घोषित किया? सही उत्तर है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किस भारतीय को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोटले मेडल 2019 से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है अमर्त्य सेन। किस भारतीय अध्यापक ने मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल श्रेणी में 2019 मार्था फेरल पुरस्कार जीता? सही उत्तर है मनु गुलाटी। विश्व की सबसे लंबी लवणीय गुफा की खोज हाल ही में किस देश में की गई? सही उत्तर है इजराइल। गांधी द राइटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है भवानी भट्टाचार्य। स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2019 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिव्यांगजनों के लिए एना जोड़ी नामक पहल की शुरुआत की है? सही उत्तर है असम। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने आतंकी फंडिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया है? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारतीय हरित भवन परिषद ने किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग प्रदान की? सही उत्तर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इंडियन फिजिकल फेडरिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर वाई वी रेड्डी। BCCI का नया तदर्थ एथिक्स अफसर किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है डी के जैन। हाल ही में 2018 ACMAM टूरिंग अवार्ड किसने जीता? सही उत्तर है योशुआ बेंगियो, जार्फी हिंटन तथा यान लेकुन। हाल में सुर्खियों में रहे मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है निशानेबाजी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने की अनुशंसा की है? सही उत्तर है ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग तथा सर्फिंग। शारदा कॉरिडोर योजना किस देश से संबंधित है? सही उत्तर है पाकिस्तान। हाल ही में प्रफुल्ल राजगुरु का निधन हुआ, वे किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है असम। विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन तासीगंग भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2018 वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट जारी की? सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने चुनावों में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से टूल्स लॉन्च किए हैं? सही उत्तर है फेसबुक। हाल ही में विंज मुरी अनसुईया देवी का निधन हुआ, वे किस राज्य की लोक कलाकार थी? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। एमिसेट उपग्रह किस देश से संबंधित है? सही उत्तर है भारत। हाल ही में सुर्खियों में रही गोलन पहाड़ियाँ किन दो देशों के बीच स्थित है? सही उत्तर है सीरिया और इसराइल। हाल ही में किस आईआईटी ने अनुसंधानकर्ताओं ने AI बेस्ड रोग ढूंढने का वाला उपकरण बनाया है? सही उत्तर है IIT दिल्ली। विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब किस शहर में खुला? सही उत्तर है दुबई। हाल ही में आशिता का निधन हुआ, वे किस भाषा की प्रमुख लेखिका थी? सही उत्तर है मलयालम। हाल ही में सुर्खियों में रही मांकडिक किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है क्रिकेट। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है नवीन चावला। हाल ही में IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? सही उत्तर है सुरेश रैना। हाल ही में किस देश ने लूज टू विन कार्यक्रम लॉन्च किया?
सही उत्तर है सऊदी अरब अमीरात। ग्लोबल टीचर प्राइज 2019 हाल ही में किसने जीता? सही उत्तर है पीटर तबीची। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किन नए हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? सही उत्तर है चिनूक। अर्चना कामत किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है टेबल टेनिस। किस भारतीय संगठन ने फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया? सही उत्तर है नीति आयोग। लंग कावी इंटरनेशनल मेरीटाइम एरो एक्सपो 2019 की शुरुआत हाल ही में किस देश में हुई? सही उत्तर है मलेशिया। सेफ महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? सही उत्तर है भारत। हाल ही में सुर्खियों में रहे जिमी कार्टर किस देश से संबंधित है? सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन की किफ़ायती विधि की खोज की है? सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में किसने भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में शपथ ली? सही उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जिम्मेदाराना व्यापारिक व्यवहार के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए? सही उत्तर है कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? सही उत्तर है करमबीर सिंह। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया? सही उत्तर है कजाकिस्तान। हाल ही में हाकू शाह का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सही उत्तर है कला। हाल ही में जारी किए गए विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही उत्तर है 140वां। हाल ही में किसे भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सही उत्तर है गौरी सावंत। हाल ही में नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का निर्णय लिया है? सही उत्तर है इटली। भारत द्वारा मित्र शक्ति 6 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ मिलकर किया जाएगा? सही उत्तर है श्रीलंका। 26 मार्च से 8 अप्रैल। हाल ही में किस कंपनी ने स्मार्ट कॉरिडोर लॉन्च किए? सही उत्तर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा करने वाली पहली भारतीय तटरक्षक पोत कौन सी बनी? सही उत्तर है INS विजीत। किस IIT ने इसरो के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी सेल के लिए समझौता किया है? सही उत्तर है IIT रुड़की। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सिंगल यूज प्लास्टिक तथा सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर प्रस्ताव को मंजूर किया? सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के किस सेक्शन के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है? सही उत्तर है सेक्शन 29A। हाल ही में चिन्मय राव का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के अभिनेता थे? सही उत्तर है बंगाली सिनेमा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में किस बैंक ने कार्डलेस रोकड़ निकासी की सुविधा लॉन्च की? सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। इसरो के किस पूर्व वैज्ञानिक को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है नंबी नारायण। भारत का पहला लोकपाल किसे मनोनीत किया गया है? सही उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष। हाल ही में सुर्खियों में रहा सोयूज स्पेस क्राफ्ट किस देश से संबंधित है? सही उत्तर है रूस। हाल ही में मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? सही उत्तर है भारतीय जनता पार्टी। किस भारतीय मनोवैज्ञानिक को 2019 हंस किलियन अवार्ड प्रदान किया जाएगा? सही उत्तर है आशीष नंदी। हाल ही में माते महादेवी का निधन हुआ, वे किस समुदाय की प्रमुख थी? सही उत्तर है लिंगायत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में क्रिकेट प्रशासन से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए किसे मध्यस्थ नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है PS नरसिम्हा। किस टीम ने 2019 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता? सही उत्तर है कर्नाटक। हाल ही में इरफान केटी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, वे किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है एथलेटिक्स। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही उत्तर है भारत। ब्रिक्स शेरपा बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है TS तिरुमूर्ति। हाल ही में डेरिल डी मोंटे का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? सही उत्तर है पत्रकारिता। हाल ही में सिर से सुपारी को GI टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है कर्नाटक। हाल ही में किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक से वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की? सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप किस शहर में शुरू हुआ? सही उत्तर है गांधीनगर गुजरात। इंटरनेट ऑफ थिंग्स
इंडिया कांग्रेस 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही उत्तर है बेंगलुरु। हाल ही में इरोड हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है तमिलनाडु। हाल ही में गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सही उत्तर है प्रमोद सावंत। दिल्ली सरकार ने किसकी अध्यक्षता में उच्च शिक्षा सुधार के लिए समिति का गठन किया है? सही उत्तर है जैस्मिन शाह। हाल ही में सुर्खियों में रहे उपमन्यु दत्ता किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है सीलिंग, नौकायन से। हाल ही में LIC का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है MR कुमार। हाल ही में सुर्खियों में रहे जबल अल द अख्तर पर्वत किस देश में स्थित है? सही उत्तर है ओमान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अवधि के लिए नई ग्लोबल इन्फ्लुएंजा रणनीति लॉन्च की है? सही उत्तर है 2019-2030। हाल ही में किस देश ने महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की स्मृति में सिक्का जारी किया? सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। कुसुमाग्रज साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया? सही उत्तर है वेदराही। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का पायदान कौन सा है? सही उत्तर है 11वां। नाइस समझौता किससे संबंधित है? सही उत्तर है वस्तुओं सेवाओं का वर्गीकरण से। हाल ही में विनोद कश्यप का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? सही उत्तर है पत्रकारिता। हाल ही में किस राज्य ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% कोटा को मंजूरी दी? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? सही उत्तर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। प्रथम भारत जापान अंतरिक्ष वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है इंदिरा मणि पांडे। पाकिस्तान की सीनेट में चुनी जाने वाली पहली थारी हिंदू महिला कौन है? सही उत्तर है कृष्णा कुमार कोहली। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? सही उत्तर है मिजोरम। भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है सुभाष चंद्र गर्ग। हाल ही में किस खेल संघ को भारत के राष्ट्रीय खेल संघ के रूप में मंजूरी दी गई? सही उत्तर है अखिल भारतीय कैरम संघ। हाल ही में सुर्खियों में रहा किरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है चिनाब। हाल ही में किस कंपनी ने बोलो नामक ऐप लॉन्च की? सही उत्तर है गूगल। अल नागा 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस अन्य देश के बीच किया जाएगा? सही उत्तर है ओमान।